गुलबर्गा शहर के वार्ड नंबर 36 के कॉरपोरेटर शंभोलिंग पाटिल को थर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुलबर्गा में डिस्क्वालीफाई किए जाने पर सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट ने कहा, यह जजमेंट हर वो कॉरपोरेशन एमएलए और एमपी इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए एग्जाम्पल सेट किया गया है। सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट ने कहा, इलेक्शन में नॉमिनेशन के वक्त हर कैंडिडेट को वोटर के सामने अपनी प्रॉपर्टी, एजुकेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड और दीगर अहम मालूमात बताना बेहद ज़रूरी होता है और अक्सर जानबूझकर कई कैंडिडेट्स अपनी इन्फॉर्मेशन छुपाकर इलेक्शन लड़ा करते हैं। गुलबर्गा वार्ड नंबर 36 के इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर ने भी नॉमिनेशन के वक्त अपनी इन्फॉर्मेशन छुपाकर इलेक्शन में जीत हासिल की थी, जिसके बाद बीजेपी कैंडिडेट सूरज तिवारी की वाइफ एडवोकेट आरती तिवारी ने एज ए वोटर और कांग्रेस कैंडिडेट चन्ना बसैया स्वामी ने कोर्ट में पिटीशन सबमिट किया था, जिसमें आज कॉर्पोरेटर शंभोलिंग पाटिल को डिस्क्वालीफाई कर री इलेक्शन का ऐलान किया गया है। इस मौके पर सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट ने सूरज तिवारी, चन्ना बसैया स्वामी, एडवोकेट आरती तिवारी, एडवोकेट अरुण कुमार किन्नी और सीनियर एडवोकेट देशपांडे साहब को मुबारकबाद पेश की है। आज फिर एक बार यहां पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट थर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाया है। गुज़िश्ता वार्ड नंबर 24 के बाद अब ये वार्ड नंबर 36 का जो इलेक्शन पिटीशन आरती तिवारी मैडम की जानिब से और चन्ना बसैया स्वामी की जानिब से दो इलेक्शन पिटीशन फाइल किए गए थे, दोनों पे इलेक्शन पिटीशन को अलाउ किया गया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो जजमेंट आया है, तमाम जो कैंडिडेट होते हैं, जो कॉरपोरेशन को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले रहने दो या चाहे एमएलए रहने दो, एमपी इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते, तो उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पर सेट किया है इलेक्शन ये जजमेंट के ऊपर। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम नॉमिनेशन जो डालते हैं, नॉमिनेशन के अंदर जो है फैक्ट छुपाते हैं, तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट है। वोटर जहाँ जिस उम्मीदवार को वोट डालते हैं, वो उम्मीदवार के जो उम्मीदवार होता है उसके बारे में वोटर को मालूम होना चाहिए, उसका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंदर। मेरा कैंडिडेट, मेरा होने वाला उम्मीदवार के पास क्या क्या है, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, उनके फैमिली मेम्बर्स में कितनी प्रॉपर्टी है, वो इन्फॉर्मेशन एफिडेविट में, डिक्लेरेशन में देना होता है। यहाँ पर उन्होंने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है, जिसकी वजह से सेपरेशन ऑफ फैक्ट की बुनियाद पर वहाँ पर अदालत ने वो फैसला सुनाया है कि ये इलेक्शन जो है वो वॉइड डिक्लेयर किया दिया गया है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, जो भी चाहे कौन से भी इलेक्शन होने दो, चाहे कॉरपोरेशन का होने दो, पंचायत का होने दो, या एमएलए एमपी इलेक्शन, जहाँ पर भी आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं, तो अगर सप्रेस अगर करते हैं तो वो आपका नॉमिनेशन इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल सेट हुआ है। मैं आरती तिवारी मैडम को, सूरज तिवारी साहब को, चन्ना बसैया स्वामी साहब को मुबारकबादी देता हूँ, अरुण किन्नी साहब को एडवोकेट जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उनको मुबारकबादी देता हूँ, सीनियर एडवोकेट पीवी देशपांडे साहब को मुबारकबादी देता हूँ, उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा वहाँ पर केस को अदालत के सामने पेश किया और मुतासिर होते हुए यहाँ पर एक बहुत ही सही फैसला सामने आया है।